हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस दूसरे पार्ट में सिंगल पॉइंट के एनर्जी पॉइंट्स के, जो उस ऑर्गन का, मेन ऑर्गन का जो एक सिंगल पॉइंट पर्टिकुलर समय पे, जिस टाइम पे हमारा ऑर्गन फुली एक्टिवेटेड होता है। पिछली श्रृंखला में हमने डिस्कस किया था लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका समय 5 से 7 है, सुबह 5 से 7 बजे के बीच में आप LI1 पॉइंट पे स्प्लिट करें और मेथी दाना लगाएं। फिर 7 से 9 हमारा स्टमक का टाइम था ST36 पॉइंट पे। ये मैंने सिर्फ आपको कलर्स आपको दिखाने के लिए लगाए हैं कि यहाँ पे ST36 पॉइंट पे आपने प्रेस करना है, मेथी दाना लगाना है 8 से 10 बजे के बीच में सुबह, सॉरी 7 to 9 मॉर्निंग में। फिर हमारा आता है स्टमक के टाइम के बाद स्प्लीन का टाइम आता है 9 to 11। तो अपनी स्प्लीन को हेल्दी रखने के लिए, यदि हमारी स्प्लीन कमज़ोर है, जिन भी लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, वो यहाँ पे SP3 पॉइंट पे प्रेस करें और मेथी का दाना लगाएं। उसके बाद आता है हमारा हार्ट का 11 to 1 AM। 11 से 1 भी आप H8 पॉइंट पे प्रेस करें और मेथी दाना लगाएं 11 से 1 के बीच पे। तो जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपका हार्ट एड्राइज्ड होगा, चार्ज्ड होगा, उसमें आपको डेफिनेटली जब आप लगातार लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम 1 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। तो उसका पॉइंट है हमारा SI5, जो हमारा इस तरफ है, जो हमारा फर्स्ट फ्लैंज है, बिल्कुल इधर कॉर्नर पर पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में विद चार्ट आपको बताया है, तो समझती हूँ मैं कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस प्रकार से अपने इन ऑर्गन्स को, जो पिछले बताए गए हैं, उसके हमने कैसे एक्टिवेट करके अपने उन ऑर्गन्स को एनालाइज हम कर सकते हैं, ऊर्जा बढ़ा सकते हैं उनकी। एक और चीज़, जो लोग सुजोग को जानते हैं और इसके अंदर अगर हमारे को ऑर्गन को टोन करना है, तो जो ये ऑर्गन का, इसका मैग्नेट का वाइट पोर्शन, आपको दिखना चाहिए। जो भी अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, और जिन लोगों के पास भी ये मैग्नेट्स मौजूद हैं, वो उसको टेप पे इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे, वाइट पोर्शन आपको दिखना चाहिए और येलो पोर्शन आपकी स्किन को टच होना चाहिए। तो हमारा जो भी टाइम है, जिस भी ऑर्गन का, अगर LI1 पे लगाना है हमने सुबह 5 से 7 के बीच में, तो इस प्रकार से आप 5 से 7 के बीच में LI1 पे लगाएं। इसी मैग्नेट को फिर आप चेंज करके दूसरी जगह पे लगा लेंगे, अगर आप पूरे दिन ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से मैग्नेट्स लगा रहे हैं। एंड मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से अपने पॉइंट्स बदल बदल के लगाते रहें, एंड फिर अपने फिजिकल लेवल में फ़र्क देखें। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा है UB मेरिडियन। UB जो हमारा ब्लैडर का मैक्सिमम पीक पे, जो हमारा ब्लैडर फुली एक्टिव होता है, ऊर्जा कॉस्मोस से उस टाइम पे ऊर्जा लेते हैं। ये सारे ऑर्गन्स को कॉस्मोस से जब ये लोग ऊर्जा लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस ऑर्गन का ऊर्जा लेने का, जिस टाइम पे उसको मैक्सिमम ऊर्जा मिल रही होती है ब्रह्मांड से। तो 3 से 5 का टाइम हमारा है यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर उस टाइम पे बहुत एक्टिव होता है। अब आप देखिए कि यदि आपको यूरिन से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि आपको बार बार यूरिन आता है, इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, और आप यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, तो इस के अंदर आप UB66 जो इसका पॉइंट होता है एक्टिवेट करने के लिए, UB66 पॉइंट हमारा मिडिल फिंगर में यहाँ पर होता है, तो वर्ड्स हमारा ये रिंग फिंगर होगा UB66। सेम मैं आपको चार्ट बताऊंगी, उसके अंदर आप फिर इसी प्रकार से प्रेस करें और 3 से 5 बजे के बीच में आप लोग इस पर मेथी दाना या ब्योल मैग्नेट का वाइट साइड लगा के उसको टोनीफाई करें। तो जो भी ब्लैडर से रिलेटेड, देखा है कि जो इनको हड्डियों की तकलीफ होती है, लोअर बैक में पेन होता है, ज़्यादातर ये हमारी बीमारियाँ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करने से, इस पॉइंट को प्रेस करने से, ब्लैडर की ट्रीटमेंट करने से आपको आराम मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर ऑर्गन हमारी बीमारी में कहीं ना कहीं किसी रूप में ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए हर ऑर्गन की अपनी एक कार्य क्षमता होती है, एक कार्य प्रणाली होती है, जिसके हिसाब से वो ऑर्गन काम कर रहा होता है।
यदि आपको ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ब्लैडर से रिलेटेड किसी भी इशू में आप 3 से 5 में ये वाला UB66 पे स्टार मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट वाइट या मेथी दाना लगा के उसको आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 PM to 5 PM UB66 ब्लैक कलर, मेथी दाना और वाइट मैग्नेट आप 3 PM to 5 PM। अगला हमारा जो समय आता है 5 से 7 बजे शाम को, 5 से 7 बजे का जो हमारा टाइम होता है वो किडनी की फंक्शनिंग का टाइम होता है। उस टाइम पे किडनी में भरपूर ऊर्जा होती है, तो 5 से 7 जो किडनी का पॉइंट है वो है हमारा K10 पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे मिडिल फिंगर टुवर्ड्स रिंग फिंगर यहाँ पे। तो इस पॉइंट को आप स्मुलेट करें, मेथी दाना लगाएं और यहाँ को स्टार मैग्नेट लगाएं, और इसको आप यदि 5 से 7 के बीच में, और किडनी को तो एनराइज करने के लिए ज़रूर करना ही चाहिए क्योंकि किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन, बॉडी से टॉक्सिक्स निकालना। शरीर से जितने टॉक्सिक्स निकलेंगे उतना ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप लोग K10 पॉइंट पे स्टार मैग्नेट लगाएं, मेथी दाना लगाएं। जिन भी लोगों को अपने लगता है कि यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हैं, झाग आना यूरिन में इज़ अ वेरी कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, मतलब उसके अंदर आपके यूरिन में कुछ ना कुछ ज़रूर जो आ रहा है, समथिंग इज़ देयर, तो आप किडनी के इस पॉइंट को ज़रूर लगाएं। और ये ज़्यादातर हमारे मेंटल डिजीज़ में भी बहुत काम करता है। यदि किसी को मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक रोग है कोई, इस पॉइंट को एक्टिवेट करने से फ़र्क पड़ता है। ऑर्थराइटिस में, हेडेक में भी ये पॉइंट हमारा काफ़ी काम करता है। ये हमारी जो हमारी किडनी के ऊपर ही अटैच्ड होती है एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो UB66 पॉइंट पे आप लोग अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए आप लोग K10 पॉइंट पे ये पॉइंट लगाएं। शाम को 5 से 7 K10 पे ब्लैक कलर या फिर आप मेथी दाना या वाइट मैग्नेट अप किडनी K10 सेकंड फ्लेंच हमारा मिडिल फिंगर का यहाँ पे बिल्कुल लाइन देखते हुए यहाँ पे लगाएंगे आप शाम को 5 से 7 के बीच में। नेक्स्ट है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का टाइम है हमारा 7 से 9 बजे रात को। 7 to 9 पे पेरिकार्डियम की मैक्सिमम एनर्जी होती है। जो कोरियन पद्धति में पेरिकार्डियम एक हमारे हार्ट के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना होता है जो हार्ट को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। तो पेरिकार्डियम को भी एक मेरिडियन का नाम दिया गया है। तो पेरिकार्डियम का जो ऑर्गन है P8 जो पॉइंट है, जो मैक्सिमम एनर्जी एक्टिवेट होती है हमारी P8 पे, आप स्टार मैग्नेट, मेथी दाना या वाइट साइड अप करके लगाएं तो पेरिकार्डियम आपका एक्टिवेट होगा। इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे हार्ट में सर्कुलेशन बढ़ाता है, पल्स रेट को बैलेंस करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और जितने भी हमारी मेंटल डिजीजेस होती हैं ये पॉइंट उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप 7 to 9 P8 पे ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर के साथ साथ आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ के कलर्स मैंने बताए हैं शायद, आई थिंक और कुछ के रह गए हैं तो वो मैं बाद में और एक बार ही बता दूंगी आपको कि P8 पे यहाँ पे आप ऑरेंज कलर भी लगा के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का, हॉटनेस का कलर आपका P8 का ऑरेंज होता है। तो यहाँ पे आप या फिर वाइट ब्योल मैग्नेट से, और यदि आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है, एनर्जी बढ़ी है घटी है, आपने सिर्फ स्टार मैग्नेट और मेथी दाना लगाना है, आप वाइट ब्योल मैग्नेट नहीं लगाएं। और ऊर्जा देने के लिए यदि हमारे ऑर्गन कमज़ोर है तो उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप वाइट ब्योल मैग्नेट ज़रूर लगाएं। ये हमारे शरीर से वात एवं कफ दोषों को निकालता है आपका P8 पॉइंट। वात से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसके अंदर P8 पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। P8 रेड कलर 7 PM to 9 PM P8 7 PM to 9 PM
नेक्स्ट हमारा होता है ट्रिपल वार्मर का टाइम। ट्रिपल वार्मर का टाइम है हमारा 9 से 11 बजे तक। 9 से 11 के बीच में आप TW6 पॉइंट हमारा इधर बैक में आएगा, वो मैं फ़ोटो में बिल्कुल यहाँ पर टेप लगाया है। तो TW6 पॉइंट पे आप लोग सेम प्रेशर देंगे और मेथी दाना, जो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है बार बार आपको, कि मेथी दाना और स्टार मैग्नेट आप लगाएंगे। ये इसका काम, इस ये जो हमारा ट्रिपल वार्मर है, हमारे LI लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, इनके सारी कार्यों को कंट्रोल करता है हमारा ट्रिपल वार्मर। तो जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके बॉडी में ऊर्जा के प्रवाह को बहुत बढ़ाएगा। ये मेनली आपके स्किन डिजीजेस का बहुत अच्छा पॉइंट होता है, और यदि आपके शरीर में गांठें बन रही हैं तो गांठों के उपचार का भी ये बहुत अच्छा बिंदु है। तो रेगुलरली आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप अपनी किसी भी मोटी मोटी जो समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको धीरे धीरे आराम आएगा। वैसे तो एक पूरा प्रोटोकॉल ही बनता है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने को हेल्दी रखने के लिए यदि हम इस पर्टिकुलर टाइम पे इस ऑर्गन को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे को और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 9 PM to 11 PM TW5 9 PM to 11 PM बैक साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर TW5। इसके बाद हमारा टाइम आता है 11 से 1 बजे गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का हिस्सा है, ये पित्त जो लीवर बनाता है, बाइल बनाता है, वो इकट्ठा करता है और ज़रूरत पड़ने पे स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। तो ये हमारे खाने के डाइजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर यदि आपको आपका लीवर कमज़ोर है, उसकी क्या निशानी है कि आपका सर भारी रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिन लोगों को, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका लीवर वीक है। तो ऐसे में आप इस पे GB41 पॉइंट जो है मैं मार्क करूँगी आपको, उसके अंदर GB41 उंगली पे हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, तो मैं आपको पूरा मार्किंग करके बता दूंगी कि GB41 आपका सेम यहाँ पे आएगा एक्सैक्टली। बाकी फिगर मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, जो मैं ऑडियो बना के आपको हर पॉइंट क्लियर करती हूँ। तो GB41 पे आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, और स्टार मैग्नेट और ड्यूल मैग्नेट लगा सकते हैं। और जिन लोगों को एक और बताती हूँ आपको टिप, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो यहाँ पे ब्राउन कलर लगाएं, ग्रीन की जगह ब्राउन कलर लगाएं, ग्रीन की जगह ब्राउन कलर लगाएं जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अदरवाइज गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करने के लिए आप 11 से 1 बजे के बीच में ग्रीन कलर लगाएं। गॉल ब्लैडर का GB41 मिडिल फिंगर फर्स्ट फ्लैंज GB41 ग्रीन कलर, मेथी दाना और वाइट मैग्नेट अप रात को 11 से 1 बजे। उसके बाद हमारा 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है लिवर का, जिस टाइम लीवर अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है। लीवर ज़्यादातर सेम, जैसे आपका किडनी ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और लीवर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट शरीर का हिस्सा है जिसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरू से ही लीवर ही आपका कमज़ोर है तो लीवर से पूरा एनर्जी साइकिल के जो जितने ऑर्गन हैं उन पर इफ़ेक्ट होता है। तो लीवर को एक्टिवेट करने के लिए आप LIV1 पॉइंट जो हमारे यहाँ पर होता है मिडिल फिंगर में टूवर्ड्स रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर में यहाँ पे होता है LIV 1 पॉइंट, उस पर आप स्टार मैग्नेट लगाएं और ग्रीन कलर करें। जितनी भी लोगों को मसल से रिलेटेड इश्यूज हैं, मसल्स में पेन रहता है, चक्कर आते हैं, पूरी बॉडी में इचिंग होती है या आई प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपका LIV 1 पॉइंट बहुत काम करता है। ये सिंगल पॉइंट अगर आप इस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिवेट करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, और
जो जो डिजीजेज मैं बता रही हूँ उसमें भी आप यदि आप सिंगल पॉइंट लगाएंगे तो आपको अपने में काफ़ी बेहतर महसूस होगा। नेक्स्ट है हमारा 1 से 3 बजे तक का टाइम जो हमारा होता है वो लीवर का। उसके बाद हमारा टाइम आता है लंग्स का। लंग्स का टाइम होता है हमारा मॉर्निंग में 3 से 5 बजे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों को अस्थमा के अटैक अर्ली मॉर्निंग आस में खांसी बहुत उठती है, तो जिन भी लोगों को लगता है उनके लंग्स वीक हैं, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है या 3 से 5 के बीच में बहुत ज़्यादा खांसी का ठसका उठता है, अस्थमेटिक हैं, ऐसे पेशेंट्स 3 से 5 बजे के बीच में अपने एल यू एट पॉइंट जो है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट फ्रेंच है इसके बिल्कुल यहाँ नीचे है, एल यू एट पॉइंट पे आप यहाँ तो ब्राउन कलर लगा सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, या वाइट ब्योल मैग्नेट या फिर आप अपना वही मेथी दाना। तो जब एल यू एट पे आप ब्राउन कलर लगाएं, लंग्स आपके शक्तिशाली होंगे, तो जितनी भी लंग्स से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ हैं उसके अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जब भी लंग्स में डेफिशिएंसी होती है, लंग्स हमारे बराबर काम नहीं कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं बाहर ले पा रहे हैं और ना छोड़ पा रहे हैं कार्बन, तो लंग्स जैसे जैसे वीक होते जाते हैं वैसे वैसे ही आपको ब्रीदिंग इश्यूज आने लगते हैं, अस्थमेटिक या और सांस से संबंधित कोई भी बीमारी होती है। तो लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए एल्यू 8 पॉइंट को आप 3 से 5 बजे के बीच में टोनिफिकेशन करें, उसकी ऊर्जा को बढ़ाएं। जिन भी लोगों के लंग्स वीक हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 एल यू एट पॉइंट पे आप वाइट मैग्नेट, आप मेथी दाना या स्टार मैग्नेट या ब्राउन कलर, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये सभी आपको जो प्रोटोकॉल्स लगाने हैं 2-2 घंटे के लिए ही लगाने हैं, जब हमारे बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं इन ऑर्गन्स की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने समझा, ये सारे जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का एक जो पर्टिकुलर समय होता है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, जिस समय वो मैक्सिमम अपना काम कर रहे होते हैं, उस मैक्सिमम पीरियड पे यदि हम उनको टोनिफिकेशन करेंगे, टोन करेंगे, तो हमारे को अपने शरीर में बहुत आराम मिलेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको दी है अपने बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए। आप लोग जुड़े रहें, नई नई इन्फॉर्मेशन लेते रहें, बहुत सिंपल सी चीज़ों को लेके आती हूँ जो आप करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ये कोई पूरा प्रोटोकॉल नहीं होता है, पूरा प्रोटोकॉल समझने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, पूरा प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिंपल तरीके से घर में ही रह के आप अपनी काफ़ी बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। और ये पद्धति इतनी सरल है कि इसको सीखने के लिए आपको विशेष सिर्फ आपका मन होना चाहिए समझने का और करने का, और विश्वास होना चाहिए। तो जो भी इसके सीखने के इच्छुक हैं वो कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्लासेस कब हो रही हैं। समय समय पर इनकी क्लासेस हमारी होती रहती हैं, बेसिक की, एडवांस की। तो जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें, और यदि आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ये शेयर ज़रूर करें, और आप किस चीज़ के ऊपर आगे वीडियो चाहते हैं उसको भी आप डालें, ताकि हम उसको एक सिंपल वे में आपको समझा सकें कि सिंपल वे में आप चाहे सिंगल पॉइंट लगा के या प्रेशर दे के किस तरीके से आराम पा सकते हैं। मेरा मोटिव तो देखिए रेकी, एक्यूप्रेशर, इन सभी नेचुरल थेरेपीज़ को आगे फैलाना है, सिखाना है कि सीख के स्वयं आप अपने उपचारक बने, आप स्वयं सीखें इसको और करें। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो आप की इच्छा है तो और आप और आगे बढ़ें, क्योंकि ज्ञान का कभी ना समय होता है और ना ये लगता है कि हम पूरी तरह से सीख चुके हैं। आज के समय में भी चाहे हम सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने के लिए हम लोग जुटे रहते हैं कि और नई चीज़ खोज के, कि और हम इस चीज़ को कैसे आपको बहुत सिंपल वे में बता सकें कि आप अपने आप को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, सो दैट हमें एक प्रोत्साहन मिले कि आप तक जो मैसेज जा रहा है वो आपको अच्छा लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समय समय पर आपकी क्वेरीज और मेरे पास आपके इन्फॉर्मेशंस
मैसेजेस आते रहते हैं, जिसके कारण बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को और कोई नई चीज़ को लेके आने के लिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।